Hello guys, welcome to the channel. In this video I'm going to share important current affairs of 13th June. As you know, आज संडे है. संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है बिकॉज आज के कुछ करंट अफेयर प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट. 75 प्लस क्वेश्चन आपको इस सेम वीडियो में मिल जाएंगे. वीडियो एंड तक जरूर देखें एंड अपने होल वीक करंट अफेयर रिवाइज कर लें. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप पे जाके चैनल का नाम सर्च करना, नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन करना है. सारे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. एज यू नो संडे का दिन हमारा रिजर्व होता है फॉर योर रिविजन. सो आज के करंट अफेयर्स इस फॉर्मेट में, बाकी जितने भी रिमेनिंग रहेंगे वो कल आपको MCQ फॉर्मेट में मिल जाएंगे. तो शुरू करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स. वर्ल्ड डे अगेन इज चाइल्ड लेबर. कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 12th जून को इसे ऑब्जर्व किया जाता है. इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जून में ये डे इंक्लूड कर लें, इंपॉर्टेंट रहेगा. उसके बाद आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, हमारे IFS ऑफिसर के नागराज नायडू, इन्हें अपॉइंट किया गया, वाज नेम्ड शेफ डे कैबिनेट बाय द इनकमिंग UN जनरल असेंबली प्रेसिडेंट, जो मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला सहीद. इनका नाम आप याद रख लीजिएगा, UN ब्यूरोक्रेसी को फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर हमारे IFS ऑफिसर के नागराज नायडू हेड करेंगे. इनका नामित किया गया, इन्हें नामित किया गया जो हमारे 76 UN जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट बनने बन इनकमिंग जो सेशन के बनने जा रहे हैं, मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला सहीद. इनका नाम आप ज़रूर याद रखें, दोनों के नाम आप याद रखें बेसिकली. उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, हमारे फॉर्मर मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर, ये मंगोलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उखाना खुरेलसुक, नाउ ये बन चुके हैं मंगोलिया के प्रेसिडेंट. ओके, मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर उखाना खुरेलसुक एज बिकेम द 6th डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया. तो ये रिप्लेस करेंगे खाल्तमा बतुगला को, रिप्लेस करने जा रहे हैं एंड बनने जा रहे हैं प्रेसिडेंट. 6th प्रेसिडेंट बनेंगे हमारे मंगोलिया के. ओके, उसके बाद मंगोलिया की बेसिक डिटेल्स, उलन बतौर इसकी कैपिटल है एंड मंगोलियन तोगरोक इसकी करेंसी है. तो ये आप याद रखें एंड उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी आप याद रख लीजिएगा. LIC के चेयरमैन MR कुमार को एक्सटेंशन मिल चुका है जी, अगले साल तक मार्च 2022 तक, और पीरियड ऑफ 1 ईयर इन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया, LIC चेयरमैन MR कुमार. ओके, उसके बाद फरारी, आप लोग जानते हो ये इटालियन कंपनी, इटालियन लक्जरी स्पोर्ट्स कार्स बनाती है ये फरारी. लाइक अगर ये पूछ ले कि फरारी कौन सी कंट्री की है तो इटालियन. ओके, इटालियन लक्जरी स्पोर्ट्स कार है. तो इन्होंने नेम्ड बेनिडेटो विजना एज इट्स न्यू कंपनी CEO, तो जो टेक ओवर करेंगे इंटरिम चीफ जॉन एल्केन से. ओके, तो आज के लिए इस करंट अफेयर्स के सेक्शन में इतना ही, बाकी जो भी रहेंगे वो हम कल करेंगे. नाउ अब शुरू करेंगे आपका रिवीजन. देखो इस रिवीजन वीडियो में 75 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले. सो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग खुद इस वीडियो को इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट लीजिए. एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपने स्कोर्स भी कमेंट कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपने स्कोर किए एंड बाकी जो डेली क्वेश्चंस फॉर यू रहते हैं वो भी आपको इस PDF में मिल जाएंगे जब आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करेंगे. तो फिर शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाइए. हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर द बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक ब्लैक? आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है. ये फ्रांस के ऑथर हैं एंड इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया. सो आई होप अभी तक आपने इनके आंसर्स कर लिए. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज डेविड डियोप इज द करेक्ट आंसर. ओके, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, बाकी इसमें देखो अब ज़्यादा ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा. ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कैस्टेक, डेविड बर्निया जो इसराइल की जो लाइक स्पाई एजेंसी है, जो इटेलियंस एजेंसी है मोसद, उसके न्यू चीफ अपॉइंट किए गए. ओके, वो आपको याद रखना है. एंड इसैक हरगोज ये इसराइल के प्रेसिडेंट चुने गए. ओके, आगे बढ़ते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट ग्रुप टू फिक्स मिनिमम वेजेस ऑफ वर्कर्स अंडर हुज चेयरमैनशिप. तो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर ये जो एक कमेटी बनाई गई है ये आपने बताना है. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज अजीत मिश्रा. एंड गाइस देखो आपके लिए स्पेशल ई बुक भी है. लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन भी आपको स्पेशल ई बुक में मिल जाएगा. दिसंबर से लेकर मई मंथ के सारे करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बैंकिंग LIC SSC और एनी अदर एग्जाम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक, बेनिफिशियल रहेगा. संजीव कोहली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री?
सर्बिया इज द करेक्ट आंसर. आईसीएमआर हैज अप्रूव्ड द सेकेंड होम इज होम मेड बेस्ड रैपिड एंटीजन किट जिसे बनाया है अबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो. तो आपको बताना है कि इस टेस्ट किट का नाम क्या है. फर्स्ट वन इज कोविशेल्फ एंड जिसे माई लैब पुणे बेस्ड लैब ने बनाया था. एंड द सेकेंड वन इज पैन बायो. विच कंट्री विल होस्ट कोपा अमेरिका फॉर अ सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म. एग्जैक्टली ब्राजील इज द करेक्ट आंसर. विच स्टेट हैज अनाउंस टू लॉन्च कोरोना फ्री विलेज कंपिटिशंस एंड लाइक जो सरकार है 50 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करेगी जो भी विलेज कोरोना मुक्त होगा कोरोना फ्री होगा. सो इसे लॉन्च किया महाराष्ट्र द्वारा. अनिरुद्ध जगुनाथ हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री. मॉरिशियस इज द करेक्ट आंसर. पाकिस्तान हैज़ डेवलप इट्स होम मेड COVID-19 वैक्सीन पाकवैक विद हेल्प ऑफ विच कंट्री. चाइना की मदद से. DGCA हैज़ ग्रांटेड परमिशन टू विच कंपनी रिसेंटली टू मैन्युफैक्चर द स्पुटनिक COVID-19 वैक्सीन इन इंडिया. यू नो स्पुटनिक रशिया का वैक्सीन है एंड इंडिया में भी बनेगा. एंड कौन सी कंपनी बनाएगी इसे. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. आधार पुणे वाला इसके CEO हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतनी अपनी मॉनिटरी पॉलिसी में क्या प्रोजेक्शन लगाया GDP का फॉर द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर. 9.5%. INS संधायक हैव आफ्टर सर्विंग 40 ईयर्स वॉज डीकमिशनड एट विच प्लेस. नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम. एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च विच प्रोग्राम बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स ऑफ पल्सेस एंड ऑल सीड्स टू द फार्मर्स. सीड मिंट इज द करेक्ट आंसर. सीड मिनी किट बेसिकली. ओके विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट लॉन्चेस नॉलेज इकोनॉमी मिशन. केरल इज द करेक्ट आंसर. Who has been appointed as a World Bank Education Advisor? रंजीत सिंह दिजाले. एंड मैं चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा. ये आपका टेस्ट चल रहा है. ओके सो आई बिलीव कि आप खुद आंसर्स कर रहे हैं. हु हैज़ वॉन द Formula 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स. किसने जीता ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर इज सर्जियो पेरेस. विच स्टेट और यूटी लॉन्चेस योन टैप स्कीम. लद्दाख इज द करेक्ट आंसर. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे. 7 जून इज द करेक्ट आंसर. इंडिया का रैंक क्या रहा जो अभी रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में. 117th रैंक रहा हमारा. एंड लास्ट ईयर हमारा 115 था. नाउ हम 2 प्लेसेस स्किप हुए हैं. तो ये आप याद रखें. CBSE ने किसके साथ लाइक माइक्रोसॉफ्ट के साथ बेसिकली आपस में समझौता किया. कोडिंग सब्जेक्ट एंड डेटा साइंस सब्जेक्ट इसे इंक्लूड किया जाएगा. तो आपको ये बताना है कि CBSE के चेयरमैन कौन है. मनोज आहूजा इज द करेक्ट आंसर. TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अबाउट 2021 से किसे सम्मानित किया गया फॉर दिस पिक्चर. थॉमस विजयन. ही इज फ्रॉम केरल. विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च पिंक बूथ टू एनकरेज द वुमेन्स ऑफ द स्टेट टू टेक COVID-19 वैक्सीन. UP इज द करेक्ट आंसर. ऑलिवर रॉबिसन सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट. तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे. एंड यू नो इनका पहला ही टेस्ट मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड. एंड पहले टेस्ट मैच के बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया. सो ही प्लेड फॉर इंग्लैंड. Raimona National Park has become the 6th national park of which Indian state? Assam. And अब तो Dihang Patkai National Park वो भी अपग्रेड हो चुके हैं. 7 बन चुके हैं टोटल. वो आगे बताता हूँ मैं आपको. Who has been elected as a president of 76th session of UN General Assembly? Foreign Minister of Maldives, Abdullah Shahid is the correct answer.
हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड. संजीव नंदन सहाय इज द करेक्ट आंसर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक. बेसिकली इन्हें रीअपॉइंट किया गया. अपनों का बैंक इज द टैग लाइन. हेडक्वार्टर्स मुंबई में मिलेंगे आपको इसके. एंड विश्वा वीर आहूजा इज द करेक्ट आंसर. टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 का रैंकिंग आया. सो इसमें जो इसमें टॉप किया वो सेंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना का. फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन चाइना की यूनिवर्सिटीज़ रही. इंडिया की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर, IIT रोपर एंड IIT इंदौर अपना 100 में अपना रैंक बनाया. 100 पोजीशन में, 100 टॉप 100 में हम नामित हुए हैं. ऑन विच डे वर्ल्ड ओशन डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली. 8 जून इज द करेक्ट आंसर. अरुणाचल प्रदेश वाटर ब्यूरो. दिस मूवी हैज बैग द बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स. तो ये आप याद रख लीजिएगा, जिसे डायरेक्ट किया गया शांतनु सेन द्वारा. बेसिकली दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन द मोनपा ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो याद रखेंगे मूवी का नाम, डायरेक्टर का नाम भी याद रखेंगे एंड इम्पोर्टेंट रहेगा. ट्राइब्स का नाम भी आप याद रखिए. भारत पे हैज़ बिकेम द ICC ऑफिशियल पार्टनर फॉर 3 ईयर्स. हु इज़ द फाउंडर एंड सी ऑफ भारत पे. अश्नीर ग्रोवर इज द करेक्ट आंसर. माउंट मेरापी एरेप्टेड 4 टाइम ऑन जून 3. 3 जून को एरेप्ट हुआ है. तो आपको बताने की कौन सी कंट्री का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है. इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द HSBC इंडिया CEO. यतेंद्र देव इज द करेक्ट आंसर. ओके, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी व्हाट परसेंट इन द ईयर 2020. 5.7% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो 5.7 इज द करेक्ट आंसर. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू रिजर्व 33% सीट्स टू गर्ल्स इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस. बिहार. इंडियन नेवी ओनली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन INS चक्रा विच वॉज टेकन ऑन लीज फ्रॉम विच कंट्री इन 2012. एंड इसे वापस किया जा रहा है, कर दिया गया बेसिकली, रशिया. द एक्सप्रेस पेल शिप विच सैंक नियर द पोर्ट ऑफ कोलंबो बिलोंग्स टू विच कंट्री. सिंगापुर. नेम द इंडियन हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन. RSOD is the correct answer. The film division of India held 2-day online film festival to mark the Environment Day 2021. You have to answer what was the title of the film. Voices of Hope is the correct answer. Which scheme was announced by the Finance Minister for small GST taxpayers and allowed the time of filing of income tax returns with reduced late fees. So name of this scheme is Amnesty scheme. Which decade has been declared as a UN decade on ecosystem restoration? 2021 to 2030, decade 10 years ka hota hai. Which country has recently launched its weather satellite Fangyuan 4B? China. Which country has launched the mission Innovation Clean Tech एक्सचेंज एट द इनोवेटिंग टू जीरो नेट समिट होस्टेड बाय चिले. कौन सी कंट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया? इंडिया. कैरेटो डेक्टोलस बैंक हुआ आईगा विच वॉज डिस्कवर्ड इन मिजोरम. सो यू हैव टू आंसर इज द स्पीशीज ऑफ विच एनिमल. ऑफकोर्स यू कैन ईजली गेस दिस आंसर, लिजर्ड. INS इन भास्कर हैज बीन अपॉइंटेड एज द India next High Commissioner to which country? Papua New Guinea is the correct answer. RBI has decided to open a separate liquidity window of how much amount with the tenors of up to 3 years at the repo rate till March 2021 for the contact intensive sector. 15,000 crore is the correct answer.
द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज रिकमेंडेड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस फॉर द सेकेंड 5 ईयर टर्म. चीफ ऑफ लाइक जो सेक्रेटरी जनरल है इनको सेकेंड टर्म के लिए भी 5 साल के लिए इन्हें रिकमेंड किया गया. यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल. बाफ्टा अवार्ड्स दिए गए थे, पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, 24th बीमस्टेक, कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया गया? 24th बीमस्टेक डे 6 जून को बीमस्टेक हेडक्वार्टर्स ढाका में. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइम एंड स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट? विजय गोखले इज द करेक्ट आंसर. Dhyani Bhatkai has become the seventh national park of which Indian state? Assam. Central Food Technological Research Institute is working on probiotic food that will protect children prone to the third wave of COVID-19 infection. So you have to answer CFTRA is located in which Indian state? So this is based in Mysuru, which is in Karnataka. Which company has launched the Tech Scholar program for law students? Facebook. The Interpol has decided to launch a new global database named iska naam kya hai to identify missing persons through family DNA. So name of this initiative is iFamilia. Which airport has achieved net zero neutral status in the financial year 2021? कैंपीगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम? विनोद कपरी इज द करेक्ट आंसर. विच बैंक हैज अप्रूव्ड 500 मिलियन प्रोग्राम टू हेल्प बूस्ट इंडिया एमएसएमई सेक्टर? वर्ल्ड बैंक. इंडिया विल रिसीव MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच कंट्री? तीन लेंगे हम ये यूएसए. सुनील छेत्री ने मैसी को सरपास किया. अब 74 स्ट्राइक्स हैं, 74 गोल्स हैं लाइक सुनील छेत्री के पास, एंड सेकंड बन चुके हैं आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनके पास 103 गोल्स हैं. ओके, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2022 रिलीज की गई. इसमें हमारी तीन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टॉप 200 में नामित हुई. एंड इसमें टॉप किसने किया? इसमें टॉप किया मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने. ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सेकंड नंबर पे रही. एंड उसमें इंडिया की तरफ से अगर बात करें 177th नंबर पे IIT बॉम्बे रहा, IIT दिल्ली 185 पे, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु 186 नंबर पे रहा. 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट एक्साइज स्टार्ट हुई है, हुई थी, ख़त्म भी हो गई जी. 9 से शुरू हुई थी, 9 जून से लेकर 11 जून तक अंडमान सी में, तो याद रखेंगे. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन कमिश्नर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हमारे अनूप चंद्र पांडे. इनके साथ राजीव कुमार भी इलेक्शन कमिश्नर है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे सुशील चंद्र है. RBI हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? बंधन बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में. विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फॉर्मली अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर? एल सेल्वाडोर इज द करेक्ट आंसर. रिसेंटली अवर 1 लाख वेब लिंक्स वर रिमूव्ड इन ग्लोबल क्रैकडाउन ऑन इलीगल मेडिकल ट्रेड अंडर विच ऑपरेशन? ऑपरेशन पेंगिया द 14 इज द करेक्ट आंसर. विच स्टेट हैज टॉप्ड द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 नेशनल रैंकिंग? मध्य प्रदेश टॉप द लिस्ट. विच हैज बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन? सो ये आपको व्यान एक विलेज मिलेगा, ये बांडीपुरा में है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UP. विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S वर्ल्ड कप फॉर मैन एंड वुमेन इन 2024? सॉरी, दिस विल बी होस्टेड बाय ओमान.
ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 3 E100 एथनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन इन विच सिटी अंडर ए पायलट प्रोजेक्ट. पुणे इज द करेक्ट आंसर. महेश कुमार जैन गेट 2 ईयर एक्सटेंशन एज RBI डिप्टी गवर्नर. तो याद रखिए नाम. बाकी डिप्टी गवर्नर्स माइकल पात्रा, एम राजेश्वर एंड रविशंकर हैं, 3 अदर, एंड महेश कुमार भी हैं, इन्हें एक्सटेंशन मिल गया. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनके द्वारा एक पोर्टल स्टार्ट किया गया फॉर द ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ चिल्ड्रन विच इज़ इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. सो नेम ऑफ दिस पोर्टल इज बाल स्वराज. फेसबुक हैज़ नेम इट्स होम एज इट्स ग्रेवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया. सुपूर्थी प्रिया इज द करेक्ट आंसर. द वर्ल्ड बैंक हैज स्लैश इट्स GDP 2020-21 GDP. कितना फॉरकास्ट लगाया फॉर इंडियन इकॉनमी, कितने परसेंट ग्रो करेगा हमारा GDP अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? 8.3%. विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च द कैंपेन जहां वोट वहां वैक्सीनेशन? न्यू दिल्ली. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केट फेडरेशन अमूल RSOD, इन्हें सम्मानित किया गया. एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन फ्रॉम एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन. इंपॉर्टेंट है ये. एंड ही इज़ बिगन द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स. नीति आयोग एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. सो नीति आयोग एंड पिरामिल फाउंडेशन हैज लॉन्च दिस इनिशिएटिव. न्यूजीलैंड अभी रिसेंटली एक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो रिपोर्ट निकाला गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, तो न्यूजीलैंड ने इसमें टॉप किया है. सेकंड नंबर पे ओसाका एंड टोक्यो जो दो सिटीज़ हैं हमारी जापान की. न्यूजीलैंड की ऑकलैंड सिटी नंबर 1 है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेटर रहने के लिए आपको न्यूजीलैंड की ऑकलैंड सिटी में जाना पड़ेगा. सेकेंड में आपको जापान एंड ओसाका की दो सिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड टॉप इसलिए की होगी COVID-19 से उसने काफ़ी अच्छे से फाइट की थी. ओके, तो इस वजह से. एंड अगर बात करूँ मैं सबसे लीस्ट लिवेबल सिटीज़ में, तो दमास्कस जो सीरिया की है, लेगोस नाइजीरिया एंड पोर्ट मोरेसबी, ये 3 सिटीज़ हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़, तो यहाँ आपको कभी नहीं विजिट करना है. ओके, विच एजेंसी विल सेटअप द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिन टाइम सर्विसेज क्लस्टर्स एट गिफ्ट सिटी? तो कौन सी एजेंसी करेगी सेट? इसे सेट करेगी गुजरात मैरिन टाइम बोर्ड. सो डैट्स ऑल. देखो आपका रिवीजन हो चुका है, पूरे क्वेश्चंस मैंने आपके रिवाइज करवाए. उम्मीद करूंगा आप खुद आंसर किए आपने. आप कमेंट कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपने स्कोर किए, क्योंकि देखो गाइस यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न अगर आप सच में चाहते हो कि आपका अच्छे से रिवीजन हो. अब इसका आंसर भी आप मुझे बता दीजिए. ICMR हैज अप्रूव्ड अ सेकंड होम मेड बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जिसे बना है अबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन द्वारा. तो आपको बताना है कि इस टेस्ट किट का नाम क्या है. सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपका होल वीक करंट अफेयर रिवाइज करवाया. उम्मीद करूंगा आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं. इसका आंसर भी बताइए एंड यही पैटर्न आपने फॉलो करना है, क्योंकि करंट अफेयर का तो ऐसा मैं आपको कई बार ही बता चुका हूँ कि करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आप एक दिन एग्जाम के 5-10 दिन पहले कर लेंगे. यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न प्रॉपरली. संडे का वीडियो 20-25 मिनट्स तक वीडियो वॉच करना है, डेली वीडियो वॉच करना है. इसी तरीके से करंट अफेयर मस्ट बी इन योर ब्लड. सो गाइज थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर. मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ. संडे है, एंजॉय कीजिए संडे को एंड घर पे एंजॉय कीजिए. थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून.